गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चैप्टर नंबर सेकंड, एनसीईआरटी की बुक का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, इसके सराउंडिंग का एरिया वेयर एनी डिस्चार्ज कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स। अगर हम इसके सराउंडिंग में कहीं पर भी किसी दूसरे चार्ज को रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो हम कहेंगे इस पर्टिकुलर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने ले, ये पॉइंट हमारे पास P, एक और पॉइंट ले लें हम R, एक और पॉइंट ले लिया हमने S। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी, R पॉइंट पे अलग होगी और S पॉइंट पे अलग होगी। तो इस पर्टिकुलर P पॉइंट पे जो स्केलर वैल्यू होगी, इस P पॉइंट पे जो स्केलर वैल्यू होगी, दैट स्केलर वैल्यू इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्वेश्चन ये है कि हम ये वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं। हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेंगे, उस चार्ज को आप लेंगे इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी से उस चार्ज को पी पॉइंट तक लेके आएंगे। जब हम पर्टिकुलर चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाएंगे तो कितना वर्क करेंगे, दैट वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव्स ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी मीन्स एक ऐसा पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करेंगे, दैट वर्क इज स्टोर इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय चार्ज, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। और यूनिट ऑफ वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। और एक चीज और, डायमेंशन ऑफ वी, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कॉल है, वर्क बाय चार्ज, तो इसकी डायमेंशन किसके कॉल होगी, वर्क की डायमेंशन कितनी होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइड बाई चार्ज की डायमेंशन ए टी। तो पोटेंशियल की डायमेंशन आ गई हमारे पास एम एल स्क्वायर, और टी की ऊपर पावर कितनी है माइनस टू, नीचे पावर कितनी है वन। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो पावर कितनी जाएगी माइनस थ्री, और ए ऊपर जाएगा तो पावर कितनी होगी
माइनस वन। तो डायमेंशन ऑफ वी एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। यूनिट ऑफ वी वोल्ट, और ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला यहाँ पे क्या है? वर्क बाई चार्ज। तो हम नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। हमने एक चार्ज पार्टिकल ले लिया क्यू एट पॉइंट ओ, एंड वी फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। द डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी इज आर। इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट पी ले लिया, वेयर वी फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया इन्फिनिटी पे। हमने वाले कितना चार्ज है हमारे पास? क्यू नॉट। इस क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाना है, तो जितना वर्क करेंगे दैट वर्क इज स्टोर इन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमें पता है कि जो वर्क है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्टेंस। वर्क किसके कॉल होता है? फोर्स इनटू में डिस्टेंस। तो हमें पता है कि जो पॉइंट है इन्फिनिटी पे, वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे है? इन्फाइनाइट। तो इन्फिनिटी से पी पॉइंट की दूरी कितनी होगी? इन्फिनिटी माइनस आर इज आल्सो इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर हम इन्फिनिटी में से आर को घटा दें तो ये किसके कॉल होगा? इन्फिनिटी के। तो हम सिंपल वर्क तो नहीं निकाल सकते, इसके लिए हम इन दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट लेट कर ले ए, और ये ए पॉइंट हमने मान लिया ओरिजिन से कितनी दूरी पे है? एक्स। और इस ए पॉइंट में हमने चार्ज मान लिया कितना? क्यू नॉट। तो हम निकाल सकते हैं फोर्स एट पॉइंट ए, फोर्स एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण ए पॉइंट पे कितना फोर्स आएगा? एफ ए इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर वन, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। पहला चार्ज कितना हमारे पास? कैपिटल क्यू। दूसरा चार्ज कितना है? क्यू नॉट। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? एक्स। तो फोर्स आ गया के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। और ये फोर्स किसका है? दोनों चार्ज सेम है, दे आर रिपेल टू एच अदर। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो कितना लगेगा? आउटवर्ड एफ ए। और हम इस क्यू नॉट चार्ज को कहाँ से कहलाएंगे? ए से बी तक। और हमने मान लिया ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास? डी एक्स। हम बता सकते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव से चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अगर हम एक चार्ज को ए से बी तक मूव करा रहे, कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वर्क का फॉर्मूला हमारे पास एफ डॉट डी एक्स। हमें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आउटवर्ड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड हो रही, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है,
तो यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का। फोर्स कितना हमारे पास, के कैपिटल क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू में डी एस। इक्वेशन नंबर सेकेंड, हमें यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क मिल गया, माइनस के क्यू स्मॉल क्यू नॉट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमने वर्क कहाँ से कहाँ निकाल लिया, ए से बी तक। हमें वर्क कहाँ से कहाँ तक निकालना है, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक। तो इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पे हमें निकालना है, हमें किस पॉइंट पे निकालना है, पी पॉइंट पे। तो अगर हमें स्मॉल वर्क पता है और टोटल निकालना है, हम हमेशा इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन माइनस के कैपिटल क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। अब हमें लिमिट रखनी है, लिमिट नीचे हमेशा इनिशियल लिमिट रखेंगे, ऊपर हमेशा फाइनल लिमिट रखेंगे। इनिशियल मतलब हम वर्क कहाँ से शुरू कर रहे हैं, और फाइनल मतलब कहाँ तक हम लेके जा रहे हैं। तो हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं, इन्फिनिटी से, और हमें आना कहाँ पे है, पी पॉइंट तक। तो इनिशियल पॉइंट कितनी दूरी पे है, इन्फिनिटी, और फाइनल पॉइंट कितनी दूरी पे है, आर। तो लिमिट आएगी हमारे पास इन्फिनिटी टू आर। अब इस जो कॉन्स्टेंट हम इसे बाहर ले लें, तो वर्क आ गया हमारे पास माइनस के कैपिटल क्यू क्यू नॉट। ये टर्म हमने बाहर ले ली, इंटीग्रेशन हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो इंटीग्रेशन केवल इसका होगा, इन्फिनिटी से आर। एक्स का स्क्वायर है ये, ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स। अब हमें इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। इंटीग्रेशन का हमारे पास फॉर्मूला है एक्स की पावर एन डी एक्स। जो पावर है, पावर में हम एक प्लस कर दे, जो आएगा उससे क्या कर ले, डिवाइड। अगर हमें एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करना है, तो हम एक्स की पावर में एक प्लस करेंगे, जो पावर आती है उससे हम क्या कर दें, डिवाइड। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एन की वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे एन की वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, माइनस टू। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखो वर्क कितना आएगा हमारे पास, माइनस के कैपिटल क्यू क्यू नॉट एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस टू प्लस वन, नीचे इन्फिनिटी ऊपर आर। माइनस टू प्लस वन माइनस वन, और ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आ गया के कैपिटल क्यू क्यू नॉट एक्स की पावर माइनस वन इन्फिनिटी ऊपर आर। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स की पावर माइनस वन है, हम इसको वन बाई एक्स लिख सकते हैं। ये किसके कॉल हो जाएगा, वन बाई एक्स इन्फिनिटी आर। अब हम लिमिट पुट कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वन बाई आर माइनस वन बाई इन्फिनिटी। वन बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो, इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा, जीरो मतलब बहुत कम। तो वन बाई इन्फिनिटी किसके कॉल होगा, जीरो। तो वर्क हमारे पास कितना आ गया, के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर। सो पोटेंशियल किसके कॉल होगा, क्या फॉर्मूला था पोटेंशियल का, वी इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो डब्ल्यू बाई क्यू नॉट कितना जाए, के कैपिटल क्यू क्यू नॉट बाई आर और डिवाइड बाई क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो पोटेंशियल आ गया हमारे पास के क्यू डिवाइड बाई आर। ये हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला आ गया पोटेंशियल फाइंड आउट करने का।
मतलब जो पोटेंशियल होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिक्रीज होगा। पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर, ये हमारा रिजल्ट आ गया। और हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू डिवाइड बाई आर। के वैल्यू पुट करते। थैंक यू।